अस्सलाम वालेकुम, ग्रिपोन टेक के एक और व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे एंड मेरी वीडियोस को एंजॉय भी कर रहे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ गेयर्स। गेयर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं एंड वो डिफरेंट टाइप डिफरेंट जगह पर यूज हो रही है। उनके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, उनके डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो इन्हीं तमाम चीजों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें काफी सारी टाइप्स हैं। स्पर गियर है, हेलिकल है, रैक एंड पिनियन है, पेवल है, फॉर्म गियर है। हम इनके वर्किंग प्रिंसिपल्स देखेंगे एंड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे एंड देखेंगे कि इनकी मेजर एप्लीकेशन कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्पर गियर को। स्पर गियर जो है वो इस तरीके से नजर आता है आपको, और अगर हम लोग इसके वर्किंग प्रिंसिपल को देखें तो इसके जो टीथ के कट होते हैं वो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। अब देखिए, एक शाफ्ट ये, एक शाफ्ट ये, एक दूसरे के पैरेलल है, और ये इसके टीथ के कट ये एक दूसरे के पैरेलल वर्किंग करता है हमेशा। और व्हेन द शाफ्ट आर पैरेलल, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि स्पर गियर आर यूज ओनली व्हेन द शाफ्ट आर पैरेलल, यानी ये एक्सिस के ऊपर, ये किसी और एंगल के ऊपर नहीं काम कर सकता। जब ये इसकी शाफ्ट पैरेलल होगी तभी ये वर्किंग करेगा। देन स्पर गियर जो होता है उसके ऊपर, ऑफ कोर्स ये देखें शाफ्ट यहाँ पर है तो इसकी रेडियल लोड ही इसके ऊपर इम्पोज होता है, किसी और लोड को ये अकोमोडेट नहीं कर सकता। दे आर सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। अगर हम इसकी मेजर एप्लीकेशन को देखें तो मेटल कटिंग मशीन में अगर आप देखें तो बिल्कुल वहां पर यही पैरेलल चल रही होती है चीज गियर्स जो है, तो वहां पर ये यूज होता है। देन पावर प्लांट्स में, मैकेनिकल क्लॉक्स एंड वॉचेस में अगर आप देख लें, और फ्यूल पंप जो है वो भी, उसमें भी स्पर गियर मेजरली यूज हो रहा होता है। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो स्पर गियर जो है ना वो हाई ट्रांसमिशन कैपेसिटी है विद हाई एफिशिएंसी, यानी मेजर जो है ना वो लोड, मेजर एफिशिएंसी जो है ना ये आगे ट्रांसफर करता है। बहुत ही इजी होता है इंस्टॉलेशन में एंड हाईली रिलायबल होता है ये। अगर हम इसके डिसएडवांटेज एडवांटेजेस के ऊपर देखें तो ये बहुत ज्यादा नॉइस करता है। जैसे जैसे आप इसकी स्पीड को बढ़ाते जाते हैं तो इसका नॉइस लेवल जो है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़ता जाता है, तो ये इसका ओनली डिसएडवांटेज है। सेकेंड वन जो है वो हमारा हेलिकल गियर है। हेलिकल गियर देखने में कुछ इस तरीके से लगते हैं। हम थोड़ा सा अगर इसको डिस्कस कर लें तो आप देखें जो स्पर गियर है उसके बिल्कुल पैरल जो स्ट्रेट थे उसके टीथ, इसके टीथ जो है ना वो एंगल में, तो जो हेलिकल गियर के कट होता है वो एंगल में होता है विद एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, वो स्ट्रेट था और ये एंगल में होता है। अब हेलिकल गियर्स हैव इन्वोल्यूट प्रोफाइल सिमिलर टू द स्पर गियर, बाकी सब कुछ स्पर गियर की तरह ही होता है लेकिन सिर्फ इस एंगल का फर्क होता है। तो हेलिकल गियर ऑल्सो हैव अ पैरेलल शाफ्ट, यहाँ पे ये पैरेलल शाफ्ट्स हैं तो ये पैरेलल शाफ्ट के ऊपर ही काम कर रहा है। इसके अलावा अगर हम इसके मैग्नीट्यूड ऑफ द हेलिक्स एंगल को देखें तो वो एंगल ऑफ पिनियन एंड गियर इज द सेम, जैसे ये मूव कर रहा है वैसे इसका ये मेन मेजर वाला भी मूव कर रहा है। द राइट हैंड पिनियन मैच विद लेफ्ट हैंड एंड वाइस वर्सा, देखिए ये राइट वाला लेफ्ट हैंड के साथ मैच कर रहा है तो ऑफ कोर्स लेफ्ट वाला भी फिर राइट के साथ ही मैच करके इसकी रनिंग चल रही होगी। अगर हम इसकी मेजर एप्लीकेशंस को देखें तो मेजर एप्लीकेशंस में इसके दे आर यूज इन ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों में बहुत ज्यादा ये यूज होते हैं, गियर बॉक्सेस में यूज होते हैं, एरोस्पेस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इनका यूजेज बहुत ज्यादा है। अगर हम इसके एडवांटेजेस देख लें हेलिकल गियर के तो ये बहुत ही क्वाइट एंड स्मूथ ऑपरेशन होता है। जो है स्पर गियर था वो बहुत ज्यादा नॉइजी होता है, इसकी बहुत ही क्वाइट से ऑपरेशन होता है। हेलिकल गियर जो होता है ना वो कैन बी माउंट ऑन पैरेलल एंड क्रॉस सेक्शन, दोनों में ये जो है ना वो माउंट किया जा सकता है, पैरेलल भी और क्रॉस सेक्शन में भी माउंट किया जा सकता है। अगर हम इसका डिसएडवांटेज देखें तो इसके शेप की वजह से ना इसमें स्लिपेज बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये क्रॉस में है इसके कट्स, तो इसमें जो है ना वो स्लिपेज बहुत ज्यादा होती है और स्लिपेज की वजह से जो एफिशिएंसी लॉस है ना वो बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट वन जो है वो बेवल गियर है। बेवल गियर कुछ इस तरीके से शेप में होता है और वो इस तरीके से मूव कर रहा होता है। अगर हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को देखें तो बेवल गियर हैव इंटरसेक्टिंग शाफ्ट्स विद बेवल कट, ये इसका बेवल कट है और इसमें इंटरसेक्टिंग शाफ्ट्स होती हैं एंड दे आर यूज टू ट्रांसमिट पावर एंड टॉर्क बिटवीन शाफ्ट दैट आर नॉट
पैरेलल, ऑफ कोर्स इसकी मूवमेंट अगर आप देख रहे हैं तो ये कभी भी पैरेलल नहीं चल सकती। तो ये ऐसी जगह पे यूज होता है जहाँ पे आपको पैरेलल शाफ्ट नहीं चाहिए होती है, वहां पे नहीं लग सकती, तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं। और इसकी जो टूथ होते हैं वो बेवल कैन बी कैट स्ट्रेट और स्पायरल भी होता है। बेवल गियर्स इम्पोज रेडियल एंड थ्रस्ट लोड, रेडियल लोड भी इसके ऊपर डाल रहा है और ऑफकोर्स साइड से यहाँ पे थ्रस्ट लोड भी इसके ऊपर आ रहा होता है। यहाँ पर अगर हम इसकी एप्लीकेशन देखें तो ये पावर ट्रांसमिशन एट राइट एंगल इज रिक्वायर्ड, जहां पर भी एंगल में आपको पावर ट्रांसमिशन होगी वहां पर जो है वो बेवल गियर को यूज किया जाता है। एडवांटेजेस में अगर हम देखें तो ये 90 एंगल के ऊपर जो है नॉइजलेस ऑपरेशन होता है और बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है। और डिसएडवांटेज अगर हम इसका देखें तो डिफिकल्ट टू असेंबली, आप इसकी शेप से भी देख लें, इसको लगाना, इसकी असेंबलिंग जो है ना वो काफी डिफिकल्ट होती है और इसके लिए जो है ना फोर्स बहुत ज्यादा ग्रेटर चाहिए होती है, जिसकी वजह से पावर जो है ना वो आपकी पावर कंजप्शन भी ज्यादा होगी इसकी। देन वॉर्म गियर है, वॉर्म गियर की आप शेप अगर देख लें तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को देखें तो ये एक थ्रेडेड स्क्रू के साथ मैश करके, एक व्हील जो होता है ये थ्रेडेड स्क्रू के साथ मैश करके चल रहा होता है। अब ये क्या हो जाता है, ये सिंगल भी हो सकते हैं और मल्टी भी हो सकते हैं, यानी इस साइड में भी है और इस साइड के ऊपर भी आप इसको यूज किया जा सकता है, सिंगल और मल्टी दोनों में इसको यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जो वॉर्म गियर ड्राइव होती है ना वो शाफ्ट के लिए मेजरली यूज की जाती है, जहां पर वो इंटरसेक्ट जो है ना वो इंटरसेक्ट ना कर रही हो वहां पर इसको ज्यादा यूज किया जाता है, और ज्यादातर यहाँ वहां पे यूज किया जहाँ पे इसके परपेंडिकुलर होता है। देखिए ये यहाँ पर इसके साथ होता है तो वो पैरेलल होता है, ये इसके ऊपर या इस साइड पे यूज हो सकता है तो यहाँ पर ये इसके परपेंडिकुलर ही है, तो जहाँ पर भी परपेंडिकुलर यूजर होती है वहां पर वॉर्म गियर को यूज किया जाता है। देन एप्लीकेशन ऑफ वॉर्म गियर्स अगर हम देखें तो ये वाइडली यूज इन गियर बॉक्सेस होता है, यूज इन पैकेजिंग इंडस्ट्रीज एंड इलेक्ट्रिक मोटर के साथ, जितने भी आपके ये लगे होते हैं वो ज्यादातर वॉर्म गियर होते हैं। एडवांटेजेस अगर हम इसको देख लें तो हाई स्पीड रिडक्शन होते हैं, एंड देन वॉर्म गियर्स आर कॉम्पैक्ट विद स्मॉल ओवरऑल डायमेंशन, स्मूथ एंड साइलेंट ऑपरेशन होता है इसका। डिसएडवांटेज देखें तो बहुत ही लो एफिशिएंसी इसकी काफी लो होती है, हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है जिसकी वजह से आपको ये कॉस्टली बहुत ज्यादा पड़ता है। देन आप इसकी हीट जो होती है वो बहुत हाई होती है, हीट जनरेशन बहुत ज्यादा ये हीटअप रहता है और उसकी वजह से इसकी लाइफ भी कम होती है। देन इसकी जो पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो काफी लो है इसकी। तो नेक्स्ट है वो हमारा रैक एंड पिनियन गियर है। रैक एंड पिनियन गियर की शेप इस तरीके से होती है, ये रैक एंड ये का पिनियन है। अगर हम इसको डिटेल से डिस्कस करें तो रैक एंड पिनियन जो होता है ना इसको, ये लीनियर एक्चुएटर भी होता है जो कि एक सर्कुलर गियर होता है जिसमें एक पिनियन होता है एंगेजिंग है, लीनियर गियर जो कि इसका रैक होता है ये उसको आपस में एंगेज करते हैं, इसकी मूवमेंट चल रही होती है। अब ये क्या करते हैं, ऑपरेट किस तरीके से करता है, ये रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है, रोटेशनल मोशन को, ये देखिए ये रोटेशनल हो गया, इसको ये कन्वर्ट करेगा, ये यहाँ से शाफ्ट जो है कि शाफ्ट के साथ किसी भी उसके थ्रू कनेक्ट है और ये इसको कन्वर्ट कर रहा है लीनियर मोशन में, टू एंड फ्रो मोशन में कर रहा है। अब ये स्ट्रेट भी कर सकता है और हेलिकल गियर्स के साथ भी मूव कर सकता है, देखिए ये हेलिकल के साथ भी कर रहा है और स्ट्रेट के साथ भी ये मूव कर रहा है। यहाँ पर अगर हम इसकी एप्लीकेशन देखें तो कास्ट ट्रेनिंग में, रेलवे में, स्टेयर्स लिफ्ट में और एक्चुएटर्स में जो है वो जहाँ पर भी टू एंड फ्रो मोशन है वहां पर यही जो है वो काम कर रहे हैं। देन अगर हम इसके एडवांटेजेस देखें तो ये बहुत ही ज्यादा चीप होता है, कॉम्पैक्ट होता है, आप इसको छोटी सी छोटी जगह पर भी इजीली माउंट कर सकते हैं, एंड रोटेशन मोशन इनटू लीनियर मोशन ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देन हम ये रोबस्ट होता है। देन डिसएडवांटेजेस अगर हम देखें तो ये हायर कैपिटल कॉस्ट होता है, इनिशियली आपको काफी महंगा पड़ता है और नॉइजी ज्यादा होता है, टॉप स्पीड इसकी लोअर होती है और अपने ऑपरेशनल डिफिकल्टीज इसकी काफी सारी होती है। वेल थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, उम्मीद है कि आपको आज का जो टॉपिक है वो पसंद आया होगा, अगर टॉपिक पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।